हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में आपने क्लोरीमेट्री पढ़ा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसमें मेनली हमें पढ़ना है कि स्पेसिफिक हीट की क्या लिमिट्स रही हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, ठीक है। तो मेनली उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। आपने अब तक लिक्विड के लिए पढ़ा, तो अब गैस के लिए क्या है? तो वो सिमिलर ही है, उसमें कुछ ज्यादा डिफर नहीं करता है। उसमें क्या हो जाता है कि जैसे उसमें 1 मोल ले लेते हैं, तो इसमें भी वही है कि टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस, ठीक है। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैम ने छुड़वा दिया है। तो कुछ भी नहीं छुड़वाया गया, आपके सिलेबस का अच्छे से किया गया है। और जो आपका जो छोटी मोटी चीजें हैं जिसपे मतलब कई बार हो जाता है, चीजें आती नहीं है वो एग्जाम में, ठीक है। तो मेनली जो मेन है वो आपका बहुत सारा अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो आप इसे भी मत छोड़िए कि सारा सिलेबस होने के बाद आप एक चीजें बोल दें। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस में क्या है कि मेनली सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज द अमाउंट, ठीक है। हम इसे डिफाइन करते हैं, आप इसे लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram of a gas through a unit degree। तो बस आप इसमें यही लिखेंगे कि मेनली जो गैस का, अब हम 1 ग्राम की करते हैं, किसका 1 डिग्री टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है कि मेनली, बस आप ये रखिए कि एक चीज हो रही है इसमें पॉइंट कि मेनली जो एक्सपेंशन होता है हमारा स्पेसिफिक हीट में। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है हीट गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, एटोमिक वो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि हीट के साथ साथ टेम्परेचर तो राइज होता ही है, उसे उसके 1 ग्राम मोल का टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ हमारे जब हम हीट देंगे तो गैस में एक्सपेंशन भी होता है, ठीक है। तो बस एक बात है कि मेनली इसमें क्या होता है कि जो स्पेंट होती है, जो है ना हमारे सब्सटेंस में जो हीट रिक्वायर, जो हमारी हीट स्पेंट होती है, नॉट ओनली इन द रेजिंग ऑफ द टेम्परेचर बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, मेनली जो हमारी हीट स्प्लेड होती है टू दिस सब्सटेंस इट स्पेंट ओनली स्पेंट इज नॉट ओनली इट स्पेंट नॉट ओनली इन द raising temperature but also in the expansion of the gases। मेनली जो ये स्पेसिफिक हीट में एक्सपेंशन गैसेस में ही क्यों दिखते हैं, क्योंकि होता ये हमारा सॉलिड और लिक्विड में भी है, बट वो एक बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक होता है, उसका जो डिग्री होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो मेनली गैस में वो एक्सपेंशन थोड़े ज्यादा लेवल तक हो जाता है। तो ये हमारा हीट स्प्लाइड था इसमें हमारे गैसेज के लिए। तो आपको ये बात पता ही है मेनली कि जो सॉलिड और लिक्विड में होता है एक्सपेंशन कम होता है, वाइल गैसेज हैव मोर एक्सपेंशन, ठीक है। तो मेनली इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि आप इसमें एक्सपेंशन की एक और डेफिनेशन, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन भी होता है, तो आप इसकी जो डेफिनेशन है उसे थोड़ा और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ कैन आई राइट दिस दैट हीट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस विच इज द अमाउंट of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of gas through a unit degree shall not have
अ सिंगल और यूनिक वैल्यू, ठीक है। मेनली जिस डिग्री तक हम करते हैं वो हमारी सिंगल या फिर यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वो एक्सपेंशन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। मेनली इसमें क्या है कि इसके किस पे, इसमें हमारी कंडीशन पे भी कि किस कंडीशन के अंडर वो हमारी गैस हीट की गई है। तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट सेम गैस है, अगर हमने वो अलग अलग हीट से वो करी है, उसका टेम्परेचर रेज किया है, तो वो जरूरी नहीं है कि सबकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि हमारा मेनली उस कंडीशन पे भी वो डिपेंड करती है कि अंडर विच जिसपे वो हीट करी गई है, ठीक है। तो ये था आपका हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस का। अब मिल जाते हैं लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या है, लिमिट्स का मतलब होता है कि ये इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है, या सिर्फ नेगेटिव ही होती है या फिर पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि बहुत सारी हीट होती है जो सिर्फ नेगेटिव ही होती है। तो वो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा पता लगेगा इन चीजों के बारे में। तो मेनली अभी हम स्पेसिफिक हीट की लिमिट्स देखते हैं कि क्या इसकी लिमिट्स है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक आ सकती है। तो अगर हम इसे करें लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, मेनली स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस के लिए देखते हैं हम कि लिमिट क्या हो सकती है। तो अब अगर आप देखें कि अगर हमारी बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से ये हमारी वार्म की गई है, हमने इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, दैट इज डेल्टा क्यू, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर। वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बार हो चुका है, आपको पता है व्हाट इज द डेल्टा क्यू, व्हाट इज द डेल्टा टी एंड व्हाट इज द सी, व्हाट इज द एम, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूला अगर लिखूं तो स्पेसिफिक हीट इज व्हाट विल बी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा क्यू होता है स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो मेनली चेंज हमारा रेजिंग में होता है, तो रेज इन टेम्परेचर होता है ये। तो यहां से अगर मैं निकालूं गैस के लिए मेरी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि अब हमारा जो गैस है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में, किसी भी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, और हमने क्या किया कि उसमें हमने एयर के साथ वो फिट किया, ठीक है। तो मेनली अगर देखो कि इसमें अलग अलग टाइप की हमारी कंडीशन हो सकती है कि कैसे कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसे हीट दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मानूं, सबसे पहले अगर मैंने उस कंटेनर को एकदम से बहुत कर दिया कंप्रेस मैंने कर दिया है, तो क्या हो जाएगा मेरा कि मैंने कोई हीट सप्लाई तो नहीं करी है उसकी, जो मैंने बाहर से कोई हीट नहीं करी बट मैंने कंप्रेस कर दिया है। अब कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाएगा बट देर इज नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन हीट। तो मेरा जो डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू होता है मेनली हमारा हीट ही होता है, चेंज इन हीट लेते हैं हम मेनली। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेट दी गैस बी कंप्रेस सडनली, मैंने एकदम से उस गैस को कंप्रेस कर दिया है, तो क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा क्यू विल बी जीरो, डेल्टा क्यू हो जाएगा मेरा जीरो। तो मेनली जो मेरी टेम्परेचर तो हुआ इंक्रीज, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूंगी यहाँ पे तो डेल्टा क्यू जीरो है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगी जीरो। तो इस कंडीशन में मेरी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई जीरो। अब देखो अगर मैं लेती हूँ सेकेंड पॉइंट, मतलब मैं कुछ और एप्लीकेशन लगा के देखूँ जिससे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये तो हो गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर जीरो, अब और भी कुछ हो सकते हैं या नहीं तो वो मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो मेनली क्या है, अगर हमने किया कि हीट किया है, अगर हमने हीट किया है तो गैस विल अलाउ टू एक्सपेंड, ठीक है। तो गैस अलाउड टू एक्सपेंड सच ए रेट, एक रेट तक वो एक्सपेंड हो जाते हैं कि उसमें राइज इन टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। तो मेनली अगर हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे जो एग्जैक्ट हमने हीट सप्लाई की गई है, हीट सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। मेनली क्या है कि अगर हमने हीट इतनी सप्लाई करी और हमारा टेम्परेचर भी उसी एक्सटेंट तक हो गया, तो मेनली क्या हो जाएगा कि जैसे हमारा अगर हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर है और एकदम से जब हमारी क्या हो जाएगी कि एक्सपेंशन की वजह से जो हमारा टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हुआ है ना, हीट की वजह से जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है और जो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर में डिक्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से वो दोनों हो जाए अगर इक्वल, ठीक है।
तो जैसे 25 डिग्री से 26 हुआ, बट क्या हो जाए, वो 26 होने से वापस 25 हो जाए क्योंकि वो एक्सपेंड भी होगी, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो आ गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई नो व्हाट इट वाज, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी इनफाइनाइट क्योंकि डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। तो इस केस में मेरी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी जीरो, सॉरी इनफाइनाइट, ठीक है। तो मेरी वैल्यू आ गई स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस की जीरो एंड इनफाइनाइट। अब देखती हूँ मैं कि क्या कुछ और भी वैल्यूज आ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो मेनली अगर मैं चेक करूं, जैसे मैंने किया, अगर मैंने एक्सपेंशन जो हो रहा है मेरे हीट देने से, अगर जो मेरा एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत स्लो रेट पे हो रहा है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ एक्सपेंशन, जो मेरा रेट ऑफ एक्सपेंशन है इज गोइंग वेरी स्लो, बहुत स्लो है, तो जो मेरा टेम्परेचर होगा एक्सपेंशन की वजह से, टेम्परेचर फॉल होगा, फॉल इन टेम्परेचर ऑल्सो स्लो, ऑल्सो स्लो। तो जो मेरा राइज इन टेम्परेचर में माइनस फॉल इन टेम्परेचर करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा राइज हुआ बट वो बहुत कम कम आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई क्योंकि देखो 25 से वो हो गया 27, ठीक है। अब वो 27 से पहले जा रहा है 26.9, फिर जा रहा है वो 26.8, तो वो बहुत स्लो स्लो, तो इस वैल्यू में हमारी क्या आ जाएगी, हमारा डेल्टा टी आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें अगर मैं पुट करती हूँ सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से मेरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस के लिए। तो मेरी वैल्यूज आ गई है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस के लिए जीरो भी और पॉजिटिव भी और इनफाइनाइट भी। अब मैं देखती हूँ कि क्या किसी कंडीशन में और कुछ भी आ सकती है। तो अगर मैं देखूं मेनली क्या होता है, जैसे मैंने लिया कि हमारा गैस बहुत जल्दी एक्सपेंड हो गई है, गैस मेरी बहुत जल्दी एक्सपेंड हो गई, तो जो मेरा फॉल इन टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मेनली हीट वो राम राम से हुई है, राइज इन टेम्परेचर बहुत देर हुआ बट उसके जो एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो गया है, एक्सपेंशन की वजह से जो फॉल इन द टेम्परेचर है इट ऑल्सो बी ग्रेटर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा फॉल माइनस जब सॉरी राइज माइनस फॉल करेंगे, अब क्या है, राइज बहुत स्लो है और जो फॉल है वो बहुत फास्ट है, तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। टेम्परेचर में डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से मेरी नेगेटिव आ गई, तो मेनली मेरा क्या आ जाएगा, सी वुड बी ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम चारों पॉइंट्स को अगर मैं देखूं, अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस है वैल्यू पॉजिटिव फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, वो वेरी कर सकती है जीरो टू इनफाइनाइट, एंड ऑल्सो इट हैज वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। तो हाउ विल यू राइट, हेंस वी कंक्लूड that specific heat of a gas can have any positive value ranging from 0 to infinity. Positive value होती है और वो range करती है 0 से infinity तक, ठीक है। और जो स्पेसिफिक हीट है ऑल्सो फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन इवन बी नेगेटिव, ठीक है। वो हमारे जीरो हो सकती है और इनफाइनाइट हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो मेनली हमारा क्या है, वो मैटर पे डिपेंड करती है कि किस एक्सटेंट तक, किस कंडीशन में हम उसे हीट कर रहे हैं। तो मेनली स्पेसिफिक हीट हमारे उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो ये हमारी लिमिट थी स्पेसिफिक हीट की कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यूज आ सकती है एंड ऑल दैट, ओके। तो अब मेनली इसके प्रिंसिपल के किस प्रिंसिपल पे हमारे स्पेसिफिक वर्क करती है, ठीक है। तो मेनली इसके सिग्निफिकेंस ले लो या फिर आप इसका प्रिंसिपल ले लो, द प्रिंसिपल ऑफ द टॉपिक इज the principle of specific heats of gas, ठीक है। तो मेनली इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब हमारा स्पेसिफिक हीट, जब हम कोई भी एक गैस की मतलब हीट दे रहे हैं, इसमें आपका डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता, बस आप इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यूज देख लेना। जैसे मेनली
एक दो पॉइंट है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे स्पेसिफिक हीट, दो प्रिंसिपल होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे या कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, इसके दो ही प्रिंसिपल है। जब हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो हम इसे बोलते हैं सीवी, सीवी, और इसे बोलते हैं सीपी। इसका ज्यादा यूज आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, इसमें सिर्फ आपको समझना है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि जब हमारा 1 ग्राम गैस का हम टेम्परेचर रेज करते हैं, ठीक है, वो जब हम टेम्परेचर रेज करें बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, इट विल बी अ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एंड इफ वी विल गिव द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस टू, ठीक है, इन अ गिवन कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हम इसे क्या करेंगे कि हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे किया, देन इट विल बी कॉल्ड सीपी। ठीक है, तो मेनली इसकी आपको पता ही है कि वो क्या होती है, यूनिट्स होती है, या तो फिर आप जूल पर किलोग्राम पर केल्विन लो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का भी एक्सटेंट आता है, या फिर कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो हमारी ये इसकी यूनिट्स होती है। अब क्या होता है कि अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए भी लेती हूँ, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए भी क्या हो जाता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट में भी हम वो 1 मोल है जो उसका हम हीट करें किसी एक एक्सटेंट तक बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम, तो इसकी जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो सीवी जो हो जाएगी, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू एम सीवी मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट को भी, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया। सिमिलरली ऐसे सीपी भी इसके इक्वल आ सकता है एम सीपी के, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ही है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आप ये चीजें वैसे आगे पढ़ोगे कि मेनली क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफ द गैस क्या होता है, तो रेशियो अगर मैं लो स्पेसिफिक गैस का, रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक गैसेस, प्रिंसिपल स्पेसिफिक गैसेस ऑफ गामा विल बी सीपी बाय सीवी, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ एम सीपी बाय एम सीवी, या फिर ये सीपी स्मॉल और सीवी। ठीक है, तो गामा क्या हो गया, ये होता है मेरे एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो गामा है वो एटोमिसिटी पे, कि उसमें कितने एटम्स है, इट इज वेदर अ मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक या फिर पोलिटोमिक गैस है। ठीक है, तो गामा डिपेंड्स ऑन, ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं, गामा डिपेंड्स on atomicity of gas। ठीक है, मेनली गामा हमारा एटोमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अब देखो मेनली इसमें देखा जाता है कि जो मेरी एक्चुअल में सीपी होती है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अब जो मेरी सीपी है वो ग्रेटर कैसे होती है, सीवी से ही हमेशा याद रखना कि सीपी ग्रेटर होती है और सीवी कम होती है। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो गैस क्या होती है, हमारी एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो मेनली हम किसी भी, हीट इज गिवन टू अ गैस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये सिर्फ इसके इंक्रीज नहीं करती है हमारी इंटरनल एनर्जी को, बल्कि इसका टेम्परेचर भी रेज करती है और एक्सपेंशन भी कराती है। ठीक है, तो मेनली ये हमारे, अगर मैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करती हूँ तो ये क्या करती है कि इसका एक्सपेंशन भी होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। अगर मैं करूँ तो यूज्ड इन, आप इसे लिख लो, ये पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में कि इज सीपी इज ग्रेटर देन सीवी और सीवी इज ग्रेटर देन सीपी, एंड डू यू एग्री एंड गिव द रीजन। ठीक है, तो व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट इज ओनली यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सिर्फ ये इसकी क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस को इंक्रीज करने में यूज होती है, दैट इज रेजिंग इन टेम्परेचर एंड रेजिंग इन टेम्परेचर, कि सिर्फ इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हो रही है यूज, क्योंकि उसका एक्सपेंशन नहीं लिया, क्योंकि मैंने उसके कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अज्यूम किया है तो उसका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। देयरफॉर नो हीट स्पेंट
इन एक्सपेंशन ऑफ गैस। ओके, तो कोई भी हमारी हीट स्पेंड नहीं हुई है। तो अगर आप देखेंगे मेनली तो हमारे जो हीट स्पेंड है वो टू वेज में होती है, जबकि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, हम कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम लेते हैं तो हीट स्पेंड टू टाइम्स पे होती है। तो फर्स्ट वन इज उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, दैट इज उसके टेम्परेचर को राइज करने में, और दूसरी उस जो हमारी दूसरी है वो उसका एक्सपेंशन भी कराती है ना। दो तरह से होती है मेनली, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है उसमें सिर्फ हमारी क्या होती है टेम्परेचर राइज होता है, जबकि सीपी में हमारा क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर भी राइज होता है और प्लस हमारा क्या होता है कि हमारा एक्सपेंशन भी हो रहा होता है गैस में। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हमारा कोई एक्सपेंशन हमने अज्यूम नहीं किया है। ठीक है, तो मेनली हमारा जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन तक, तो ज्यादा हीट रिक्वायर हमारे किसमें होगी, सीपी में, क्योंकि ज्यादा हीट रिक्वायर क्या है, क्योंकि इसमें वो हमारा एक्सपेंशन भी करेगी और टेम्परेचर भी राइज करेगी। तो हमारी जो ज्यादा हमारी हीट रिक्वायर होगी वो हमारी किसमें हो जाएगी, वो मेरी सीपी में हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ठीक है, तो ये यहां से हो गया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। जैसे हमारा मेनली क्या आता है, ये आपके केमिस्ट्री में वैसे आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें भी आप देख लो। ठीक है, जैसे हमारा दिया गया है कि 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कैप्ट इन अ रिजिड कंटेनर एंड is heated, find the amount of heat needed to raise the temperature from 25 degree Celsius to 35 degree Celsius and the molar heat capacity is given, वो कितने given है ऑफ ऑक्सीजन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये ध्यान रखना क्या दिया है इसमें, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो कितनी दी है, वो हमारी गिवन है 20 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो मेनली हमारा एक मोल का वेट कितना गिवन है, देखो 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कैप्ट इन अ रिजिड कंटेनर। मेनली हमारा जो गैस का वेट कितना दिया गया है, वो दिया गया है 0.32 ग्राम। इट मीन 0.32 ग्राम वो पूरे का दिया गया, हम उसे 100 का मानते हैं, तो जैसे 100 है तो 32 ग्राम पर मोल हुआ। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन का वो कितना हुआ, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो O2 है ना, तो ऑक्सीजन गैस है तो मेनली O2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो 32 ग्राम हो गया। अब उन्होंने क्या बोला 0.32 ग्राम, अब उन्होंने वेट कितना दिया है 0.32 ग्राम। ठीक है, तो मेनली कितने हमारे मोल्स होंगे, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोल्स। अब हमारा जो, क्योंकि 32 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 0.32 ग्राम में कितने हो जाएंगे, दैट इज 0.01 मोल। ठीक है, तो मेनली हमें हीट रिक्वायर पूछ रखे है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट रिक्वायर कितनी हो जाएगी, हीट रिक्वायर विल बी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू विल बी एन सी वी डेल्टा टी। तो जब आप इसे करेंगे, सीवी हमारी गिवन है कितनी 20, एन क्या आया मेरा मोल आया 0.01, सीवी इज गिवन 20 जूल एंड द टेम्परेचर डिफरेंस इज हमने कितना हुआ है कि उसका इंक्रीमेंट कितना है 25 डिग्री टू कहां तक हुआ है 35 डिग्री तक। तो मैंने डेल्टा टी कहां तक आ गया, इंक्रीमेंट कहां 35 से 25 तक। ठीक है, तो जब आप इसे करेंगे 0.01 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, तो मेनली कहां तक हुआ मेरा 10, हमारा डेल्टा टी है, तो जब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो इसकी 2 जीरो इसे कैंसिल आउट हुई, तो जो मेरी हीट रिक्वायर है इट विल बी 2 जूल। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, कुछ जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही कराएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।